पे अमर जवान ज्योति थी पहले, यहाँ पे जल्दी रहती थी। यहाँ कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुआ है भाई। मैं पहली बार इतना नज़दीक में आया हूँ इंडिया के लिए। और ये जो प्लांट वगैरह है ये नहीं थे यहाँ पे, नॉर्मल ग्राउंड था। और ये जितने पेड़ वगैरह हैं ये भी लगाइए सारे के सारे। जितने ये भाई अंदर पास में जाने के चित्र दिखाने का मकसद ये था कि मतलब इसमें ना डिस्क्राइब किया गया है पूरा फुल्ली कि दिल्ली जो है किस तरह से बना हुआ है, इंडिया गेट जो है किस तरह से बना हुआ है, कितने एकड़ में कहाँ पे क्या किस तरह से ज़मीन मतलब बनाया गया है वो डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो में मैंने वो चीज़ दे दिया है। और ये अंडर पास हम लोग पास कर रहे हैं, अब इधर आ गए दूसरे से। ये इतना भीड़ है यहाँ पे भाई। ठीक है, बोल रहे थे कि धीरे धीरे और जो भीड़ है ना बढ़ जाता है। मैं पहली बार इतना नज़दीक में आया हूँ इंडिया के लिए, इससे पहले मैं कभी नहीं आया था। मतलब बगल से गुजरा था बट आया नहीं, ये पहली बार आया। फोटो खिंचवा ले। हाँ ज़रूर। तो ये है भाई टोटली इंडिया गेट के एकदम जस्ट नीचे जो है इनके मेमोरियल वगैरह शायद दूर साइड बने हुए हैं। हमें जो नेशनल वार मेमोरियल है ना वहाँ शिफ्ट कर दिया उसको। यहाँ पे अमर जवान ज्योति थी पहले, यहाँ पे जल्दी रहती थी। यहाँ उसको अभी कुछ दिन पहले ना 2 महीने पहले उसको शिफ्ट कर दिया था हमने, वार मेमोरियल है ना। अच्छा, उसको शिफ्ट कर दिया उसको, यहाँ से यहाँ से हटा दिया। वरना वो बहुत सालों से जल्दी थी, वो 60-70 सालों से जल्दी थी, वो तो हटा दिया जब लास्ट टाइम आया था। यहाँ बीच में जल्दी रहती थी, हाँ उसको हटा दिया। चले उधर चले, उस साइड। हाँ उस साइड चलते हैं। कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुआ है भाई, जैसे कि जो मेमोरियल वाला जो यहाँ पे था अमर जवान वाला वो हटा करके शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह। जो हुआ था उसमें जो अब यहाँ पे बहुत सारे नाम है, ये ईंट का तो नहीं है, ये ऐसा लग रहा है पत्थर का बना हुआ है, मतलब तरीके से काटा गया है इस पत्थर को। ठीक है, इसके जस्ट डोर बने हुए हैं, मतलब बनाया गया छोटे छोटे फूल पौधे वगैरह सब लगा दिए गए। और सिर्फ 5 चला गया पता नहीं। आसिफ भाई साहब वो बैठे हुए हैं, जो छोटे छोटे जो बने हुए हैं ना झरने टाइप का, वो जस्ट इसके सामने ही है। ये रहा ये इंडिया गेट रहा, और ये इसका इधर का ये बना हुआ है। अब यार देखा जाए तो इतने मतलब कि जगह में ये फैला हुआ है ना। ठीक है, इंडिया गेट तो मतलब छोटा सा एक जगह पे है खड़ा, बट ये अभी जगह जो है बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कितने एकड़ होगा, विकिपीडिया में देखना पड़ेगा भाई कितना है ये। पानी साफ नहीं है, बट Thank you.
ये होगी इंडिया गेट भाई, और जो इसके जस्ट सामने जो है वार मेमोरियल समथिंग कुछ है, ठीक है। तो आप उसके साथ में ये वो स्टेडियम भी है, वो जो लाइटें दिखी ना वो स्टेडियम है, वहाँ इंटरनेशनल मैच होते हैं। अच्छा चलो आगे चलते हैं, आगे जाके देखते हैं कि आगे और क्या क्या ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं। एक तो स्टेडियम हो गया, दूसरा तुम्हारा वार मेमोरियल हो गया, ये दो चीज़ देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर मैं अपडेट करता हूँ आपको। चलो सुभाष चंद्र बोस है, और ये भाई सुभाष चंद्र बोस जी जो स्टैचू जो है सुभाष चंद्र बोस जी का, ये भाई मस्त लगता है। सूर्य जो है डूब रहा है और तुम्हारा इंडिया गेट भाई जो नेशनल मेमोरियल पार ये है, ठीक है, वहाँ मतलब जैसे खासा भीड़ रहता तो लाइन बोल रहा है कि लाइन लगाना पड़ेगा, और दिल्ली की पता नहीं कितना बड़ा लाइन है, देखते हैं कितना टाइम लगेगा वहाँ पर, ज़्यादा टाइम लगेगा तो निकल लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये 4:15 हो गया, 6 बजे तक रूम पहुँच गए, जा करके देख लेंगे उसको। और ये रहा आपका, बहुत कुछ जो है ना नया नया चीज़ें बना हुआ है, जैसे कि ये सब चीज़ें जो पहले नहीं बना हुआ था, ठीक है, हाल फिलहाल में ही बना हुआ है, मतलब विद इन आई आर ये सब सारी चीज़ें। पहले ये ना सुभाष चंद्र की मूर्ति नहीं थी यहाँ पे, पहले यहाँ पे था फाउंटेन लगा हुआ था। अच्छा ठीक है, फाउंटेन को हटा के यहाँ पे ये सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगा दी यहाँ पर, और ये जो प्लांट वगैरह ये नहीं थे यहाँ पे, नॉर्मल ग्राउंड था, और ये जितने पेड़ वगैरह ना ये अभी लगाए सारे के सारे जितने प्लांट हैं अभी लगाए, ये सब चीज़ें लगे हुए हैं सारे ना अभी लगाए, एक साल से बंद था पूरा, एक साल से काम चल रहा था इसके अंदर पूरा, तो इसीलिए बंद था, बहुत अच्छा बना दिया, काफ़ी रेनोवेट कर दिया, ऐसी बात नहीं करा, जो अंडर पास जिससे माए ना वो भी अभी बना, अब तो अच्छा लग रहा है देखने में यार, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पहले जो था ना भाई यहाँ इधर, मतलब पहले धूल मिट्टी सब पूरा पड़ा हुआ रहता था, बट अब ऐसा नहीं है, अब तरीके से बना दिया है, ठीक है। और ये चीज़ ये भाई लाइन है, ठीक है, गोप्रो तो मना कर दिया उन्होंने, मोबाइल से बना लेते हैं। तो भाई ये नेशनल वॉर मेमोरियल है इंडिया का, और इसका जो टाइम है वो है 9:07 PM। ये डिजिटली भाई लॉन्च हुआ है, ठीक है, वहाँ जैसे कि मैंने पता किया था, आप फ्रीबूट दे सकते हो ऑनलाइन, सब डिजिटली हो रहा है भाई धीरे धीरे, ऑनलाइन ऑनलाइन सब लॉन्च दे सकते हो, और ये फिलहाल लॉन्च हुआ है, ये बंद अभी ये चालू नहीं है। ये वही है जो वहाँ पे पड़ा था आई थिंक, नहीं ये दूसरा कुछ है, ये भारत पाकिस्तान का युद्ध का है हमारा, जो है जितने भी शहीद हुए हैं ना सैनिक वगैरह, ठीक है, जो टॉप लेयर के ऑफिसर्स या फिर उन सबका सिर्फ नाम है, मतलब एक तरह से स्मारक के तौर पर उनका ये चीज़ है। तो फ्रेंड्स ये जो है अमर जवान ज्योति जो वहाँ जलती थी इंडिया गेट पे, तो इसका यहाँ शिफ्ट कर दी गई है पहले से। ये स्कल्पचर देखो भाई खूबसूरत है, बैटल ऑफ रजांगला। तो भाई हम बाहर आ चुके हैं, ठीक है, अब जा रहे हैं हम अपना मेट्रो पकड़ेंगे और सीधा रूम। भाई जो नेशनल मेमोरियल वार जोन था वहाँ से हम बाहर आ गए, अंदर जो है गोप्रो का अलाउ नहीं था, सिर्फ मोबाइल से आप वीडियो या फिर फोटो वगैरह ले सकते थे, बट गोप्रो या फिर अदर जो कैमरा होते हैं ना दूसरे कैमरा उससे अलाउ नहीं है, सिर्फ मोबाइल अलाउ है, मोबाइल से आप मतलब कि फ़ोटो वीडियो बना सकते हो।
अब पता नहीं इसका रीज़न मुझे नहीं पता कि क्या है, मोबाइल अलाउ है, कैमरा अलाउ नहीं है, होगा कुछ रीज़न। तो हम बाहर निकल चुके हैं और अब वो इंडिया गेट दिखाई दिए आपको, कुतुब मीनार दिखाई दिया आपको, ठीक है, और जो छोटी मोटी चीज़ें थे वो तो दिखाई दिया। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीक संडे को एक्सप्लोर करेंगे दिल्ली को। अब कल से फिर ऑफिस स्टार्ट होगा, तो फिर नेक्स्ट संडे या सैटरडे को दिखाएंगे हम। और ये हम बाहर आ गए, फोटो या ऑटो, ऑटो मैडम फोटो सुनाई दे रहा है मुझे, हाँ मैं भी एंड करता हूँ अभी। तो भाई साहब टाइम हो चुका है 5, ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक सैटरडे या फ्राइडे को मिलेंगे और फिर दिल्ली को एक्सप्लोर करेंगे, कोई अच्छी सी जगह जाएंगे इस बार, और उससे पहले पता कर लेंगे कि भाई वहाँ पे सब चीज़ें अलाउ है या नहीं है, कैमरा वगैरह और ये चीज़ें अभी तरीके से करेंगे। इस बार थोड़ा सा जल्दीबाजी हो गया क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा दिल्ली में रहा ये सब चीज़ों को, मतलब ब्लॉग बनाने का, इसे मैंने पहले कभी नहीं बनाया था, ठीक है, तो जाके फिर बनाते हैं और नेक्स्ट वीक मिलते हैं। नेक्स्ट वीक क्या हो गया, ऐसा कुछ प्रोग्राम बन गया, ठीक है, अदरवाइज फिर नेक्स्ट वीक ही मिलेंगे। और जो इधर का जो वीडियो है वो मैं धीरे धीरे पोस्ट कर दूँगा, चीज़ें अब ये हो गया है। ऑटो लेते हैं, निकलते हैं मेट्रो स्टेशन से फिर अपना रूम, फिर कल से ऑफिस, फिर निकलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा बना है, किस तरह से बना है और मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा आप हेल्प करना कि मुझे आप गाइड कर दो, बता देना कि भैया हाँ ये चीज़ मुझे गलती है, अगर पसंद नहीं आ रहा हो तो भी बता देना, अगर पसंद आ रहा हो तो भी बता देना, अगर पसंद आ रहा हो तो फिर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। ऑटो लेते हैं निकलते हैं मेट्रो स्टेशन, मिलता हूँ नेक्स्ट वीक, बाय।